नमस्कार, मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं नायशा सैनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ, जिसके तहत हम बात करेंगे क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में पृथ्वी एक आग के गोले के रूप में थी और समय के साथ साथ धीरे धीरे ये ठंडा होने लगी, जिसके तहत हमारी लेयर्स का निर्माण हुआ। पृथ्वी के जन्म से लेकर अब तक केवल एक ही भाग इतना ठंडा हो पाया कि वहाँ पर जीवन पैदा हो सके, और वो था हमारा क्रस्ट, जिसे हम भूपर्पटी भी कहते हैं। इसके बाद है मेंटल और फिर आउटर कोर और फिर इनर कोर। तो शुरू करते हैं हमारे क्रस्ट से। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी या फिर आउटमोस्ट लेयर है, जिसे हम लिथोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। पेड़, पौधे, जंगल, जानवर, पहाड़, ये सभी के सभी हमारे क्रस्ट पर ही पाए जाते हैं। अगर बात करें इसकी मोटाई की, तो क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर में सबसे थिनेस्ट जो लेयर है वो है हमारी क्रस्ट, जिसकी मोटाई है मात्र 35 किलोमीटर। आज तक केवल इंसान 6 किलोमीटर तक ही मिनरल के लिए ड्रिल कर पाया है, उससे ज्यादा गहराई तक वो ड्रिल नहीं कर पाया है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई तक बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी की डेंसिटी और तापमान बढ़ने लगता है। पृथ्वी का तापमान हर 32 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। क्रस्ट को दो भागों में बांटा जाता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशियनिक क्रस्ट की मोटाई में थोड़ा ज़्यादा होती है। क्रस्ट कई प्लेट्स में बटी होती है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और ये प्लेट्स लगातार मेंटल के ऊपर तैरती रहती हैं। इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि क्रस्ट के अंदर मुख्यतः कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। क्रस्ट के अंदर सबसे पहले सिलिकॉन, जो कि 28% है, और एल्यूमिनियम, जो कि 8% है। मुख्य रूप से यही दो एलिमेंट पाए जाते हैं, जिसे आप सील से भी याद कर सकते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, इसके लिए आप एक एग्जांपल लीजिए। सोचिए कि आपके पास एक बेसन का लड्डू है, और बेसन के लड्डू के अंदर आपको मुख्य चीजें क्या मिलती हैं? एक बेसन, और दूसरी जगह आपको क्या नजर आते हैं? काजू, किशमिश, बादाम वगैरह। एक बेसन के लड्डू की जगह अब आप क्या करिए, उसे पृथ्वी समझिए, कि पृथ्वी के अंदर आपको क्या नजर आता है कि एलिमेंट जो है वो काजू किशमिश की तरह है, और जो बेसन है वो यहाँ पर पत्थर और चट्टानों की तरह समझिए। तो जैसे हर जगह आपको काजू किशमिश नजर नहीं आते, इसी तरह से पृथ्वी के अंदर भी हर जगह आपको एलिमेंट्स नजर नहीं आएंगे। हर जगह आपको सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन, ये सब चीजें नजर नहीं आएंगी। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो गाइज, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेयर की तरफ, जो कि है मेंटल लेयर। दोस्तों, मेंटल लेयर की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये लेयर हमें लिक्विड फॉर्म में नजर आती है, और इसका लिक्विड फॉर्म में होने का मुख्य कारण ये है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अर्थ का जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो इतना बढ़ जाता है कि जो चट्टाने अभी तक सॉलिड फॉर्म में थी वो फिर धीरे धीरे अब प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से पिघलने लगती है और लिक्विड शेप में आ जाती है, और ये पिघली हुई चट्टाने ही मैग्मा कहलाती, और यही मैग्मा क्रस्ट पर होने वाले वोल्केनिक इरप्शन या यूं कहें ज्वालामुखी विस्फोट, उसमें एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं इसकी मोटाई की। तो मोटाई जो है वो क्रस्ट की तुलना में बहुत ज्यादा है। जहां हमारी क्रस्ट 35 किलोमीटर थी, वहीं मेंटल लेयर है जो कि 2900 किलोमीटर है, और इन दोनों की मोटाई में काफी फासला है। मेंटल लेयर के अंदर दो एलिमेंट मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिनका नाम है सीमा। सीमा इसलिए ताकि आपको आसानी से याद हो सके। सीमा का मतलब है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। दोस्तों, अब बात करेंगे कन्वेंशनल करंट के बारे में। कन्वेंशनल करंट मेंटल में होने वाली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इस कन्वेंशनल करंट की वजह से ही हमारी अर्थ के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव होते हैं। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। होता क्या है कि आउटर कोर और इनर कोर दोनों ही मेंटल लेयर से बहुत ही ज्यादा गर्म है। वह बहुत ही ज्यादा गर्म होने की वजह से यहाँ परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे कि हम अपने घर पर गर्म दूध को और ज्यादा गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख देते हैं, और चूल्हे पर रखने के बाद होता क्या है कि जो गर्म दूध था वो अब उबलने लगता है और एक सर्कुलर मूवमेंट पैदा होने लगती है, या सर्कुलर मोशन में दूध अब मूवमेंट करने लगता है। बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति यहाँ पर भी होती है। आउटर कोर और इनर कोर की गर्मी की वजह से अब सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करने लगता है, और इसी सर्कुलर मूवमेंट की वजह से क्रस्ट पार्ट जो है वो इस मेंटल पर अब मूव करने लगता है। तो यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन
जानता है कि किस वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, तो जो आंसर है वो है हमारा कन्वेंशनल करंट। और नंबर दो क्वेश्चन ये है कि कन्वेंशनल करंट का मुख्य कारण क्या है, तो उसका मुख्य कारण है आउटर कोर और इनर कोर के अंदर पैदा होने वाली हीट। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अर्थ की तीसरी लेयर की, जिसका नाम है आउटर कोर। आउटर कोर को अगर पृथ्वी के लिए वरदान कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आउटर कोर की ही वजह से पृथ्वी को मिलती है मैग्नेटिक शील्ड। अब ये मैग्नेटिक शील्ड क्या है? मैग्नेटिक शील्ड आउटर कोर द्वारा तैयार किया हुआ एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच है जो सूर्य से निकलने वाली सोलर विंड या यूं कहें कि सोलर फ्लेयर से हमारी पृथ्वी को बचाता है। यह सोलर फ्लेयर सूर्य से निकलने वाली आग की लपटों की तरह ही होती है, जिसमें बहुत ही अधिक मात्रा में हाई एनर्जी पार्टिकल होते हैं और जो हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को बुरी तरह जला सकते हैं और यहाँ पर पनप रहे जीवन को बुरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो उसी सोलर फ्लेयर या सोलर विंड से बचाने के लिए आउटर कोर हमें मैग्नेटिक शील्ड का सुरक्षा कवच प्रदान करती है। इस मैग्नेटिक शील्ड को तैयार करने में आउटर कोर की जो मदद करता है वो है इसमें पाए जाने वाले दो एलिमेंट। जी हाँ दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से दो एलिमेंट पाए जाते हैं, निकल और आयरन, और ये दोनों ही इसकी मैग्नेटिक शील्ड को बरकरार रखने में बहुत ही मददगार है। यहाँ पर आते आते पृथ्वी का जो तापमान है वो 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और इतने जबरदस्त तापमान की वजह से यहाँ पर मिलने वाले ये दोनों ही एलिमेंट पिघली हुई स्टेट में आ जाते हैं। और इस वजह से हमें यह भी पता चलता है कि यह लेयर भी मेंटल लेयर की तरह ही लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। इसकी अगर मोटाई की बात करें तो इसकी मोटाई 2200 किलोमीटर होती है। तो इस तरह से हम पहुंच जाते हैं हमारी अंतिम लेयर पर, जिसका नाम है इनर कोर। इनर कोर को अर्थ का इंजन रूम कहा जाता है, क्योंकि इनर कोर का जो टेम्परेचर है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस, जो कि सूर्य के सरफेस के तापमान के बराबर है, और इसी वजह से यह अर्थ की सबसे हॉटेस्ट लेयर है। इनर कोर में भी आयरन और निकल, यही दोनों एलिमेंट मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पर तापमान और प्रेशर इतना अधिक बढ़ जाता है कि इसमें पाए जाने वाले ये मेटल आपस में स्क्वीज हो जाते हैं और लिक्विड की तरह मूव नहीं कर पाते, परंतु प्रेशर की वजह से ये वाइब्रेट जरूर करते रहते हैं। तो इस वजह से ये लेयर मेंटल और आउटर कोर की तरह लिक्विड स्टेट में न होकर सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। बात करें इसकी मोटाई की, तो इसकी मोटाई है 800 किलोमीटर। इसकी कुछ और खासियत है, जैसे कि इस लेयर में काफी मात्रा में रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम पाए जाते हैं, जो लगातार हीट को जनरेट करते रहते हैं और अर्थ को ठंडा होने से रोकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों, हमारा अगला वीडियो आपको लेकर जाएगा रोमांच के ऐसे सफर पर जिसका नाम है टेक्टोनिक प्लेट्स। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।